ये देखिए, थाना क्षेत्र बिशरक में एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी में कल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक डेड बॉडी मिली है, जिस पर मौके पर फॉरेंसिक साइंस और पूरी टीम गई थी। जानकारी करने में पता चला कि उस सोसाइटी में एक महिला रहती थी और उनकी जो है वो किसी ने हत्या कर दी है। इस पर थाना बिशरक में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ और विस्तृत जाँच पे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो इनके साथ जो है वो लगभग 2.5 साल से जो है वो संबंध में था, जान पहचान में था। एक ऐप है टिकटॉक और लाइकी करके, इस ऐप में जो है इनसे जुड़ा हुआ था। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि घटना वाले दिन जो है ये इनके घर आया था, जिसका CCTV में हमारे पास जो है वो डिटेल मौजूद है। और आने के बाद जो है उसने महिला से कुछ पैसों की मांग की, जिस पर महिला ने मना किया और कहा कि जो है वो उससे संबंध विच्छेद कर लेगी, चूँकि संबंध जो है वो 2.5 साल से, जैसा बताया इसने अभियुक्त ने, 2.5 साल से थे और फ्रिक्वेंटली इनकी बातचीत भी होती थी। उस पर जो है वो इसने महिला ने जब पैसे देने से मना कर दिया तो उसने उसको जो है वो मारपीट की, और मारपीट में जो है वो उनको इंजरी आई, जिससे उनकी एक्सेस ब्लीडिंग से डेथ हो गई। उसके बाद ये वहाँ से चाबी लेकर के दरवाजे को बंद करके भाग गया था। इसमें हम लोगों ने ट्रेसेस निकाले और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। इसके कब्जे से चाबी भी बरामद हुई, महिला का फ़ोन भी ये ले गया था, वो भी बरामद हुआ। और ये बेसिकली जो है सोशल मीडिया के थ्रू इनकी आपस में जो है बातचीत और जान पहचान हुई थी, और उसी सोशल मीडिया के थ्रू जो है ये घटना भी वर्कआउट हुई है। सर, कितने घंटे तक महिला का शव वहाँ खून से लथपथ पड़ा रहा है, जब फ्लैट में चाबी लॉक करके वहाँ से चला गया, लगभग कितने घंटे तक महिला का शव वहाँ पड़ा? ये देखिए, लगभग 11 बजे के आसपास जो है, 11:30 के आसपास ये चला गया था वहाँ से। उसके बाद जो है वो, चूँकि बेटा भी रहता था, बेटा बाहर काम करता था प्राइवेट फर्म में, तो वो 5-6 बजे के आसपास आया और उसने फिर जो है दरवाज़ा जो है वो तोड़ा है, चूँकि बंद था वो बाहर से, और उसमें जो बाकी सोसाइटी के लोग थे वो आए हैं, तब उन्होंने देखा है कि डेड बॉडी पड़ी हुई है, फिर पुलिस को सूचना दी। तो आप जो राघव है सर, जो आरोपी हैं, आप जो इस तक कैसे, किस तरीके से पहुंचे, मेन जो पॉइंट था किस तरीके से पहुंचे इसको? ये सोशल मीडिया से ही जो है वो हम लोगों को जानकारी लगी, चूँकि उसी में एक्टिव था और उसी से इनकी जो है वो बातचीत होती थी, तो उसी में पता चला कि ये एक्टिव है। उसके बाद जो है वो CCTV, चूँकि वो पूरी सोसाइटी बहुत क्लोज्ड सुपरविजन में, सर्वलांस सिस्टम में रहती है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, गार्ड्स हैं, ऐप बेस्ड वेरीफिकेशन सिस्टम है कि कोई भी अगर सोसाइटी के अंदर जाएगा तो विदाउट वेरीफिकेशन वो अंदर नहीं जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो सर्वलांस सिस्टम से हमें मदद मिली और उसके बाद जो है वो फिर इसको पकड़ा गया। कितने घंटे में खुलासा हुआ सर? ये हम लोगों ने जो है वो 6 से 8 घंटे के भीतर जो है इसको पकड़ा।